मॉर्निंग, मैं संतोष कुमार, वेस्टिंग यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, सुपर लीडर, और मैं बिलोंग करता हूँ महावीर की नगरी वैशाली से। और मैं आज आप सबों के बीच अपनी सक्सेस जर्नी, अपनी स्टोरी बताने आया हूँ, और हमारा अचीवमेंट और हमारे आगे का जो गोल है उसकी बात मैं करूँगा। एक गांव से स्टार्टिंग किया हुआ सफ़र है हमारा, जो वैशाली जिला में पड़ता है बिंदुपुर स्टेशन के पास, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट लाइफ से। और स्टूडेंट लाइफ में जहाँ आप पता आपको कि स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होता है नेटवर्क के बारे में, ना नॉलेज होता है, ना सर्कल होता है कि कहाँ जाए, किनके पास जाए, उसी तरह से हमने भी स्टार्ट किया था वेस्टेज को। और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जिस तरह के सारे लोग आते हैं, जब लेना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज़ किए, प्रोडक्ट से बेनिफिट हुआ है, लोग बताना शुरू किए, तो आपको पता है कि आज के गार्जियंस कोई नहीं चाहते कि डायरेक्ट सेलिंग में या कोई अलग बिजनेस भी करे। हर गार्जियन का एक ही सोच है आज के डेट में कि कहीं ना कहीं नौकरी करे, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी करे। जिस तरह से हमारे फादर टीचर हैं, माँ हेल्थ विभाग में है, बहन से टीचर है, भाई डॉक्टर है, अगर बात करें वाइफ की तो उनके भी फादर्स बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो एक सोच, एक फैमिलियर एक सोच था कि सारे लोग का माइंडसेट कि नौकरी वाले हैं, सारे लोग के माइंडसेट है कि नौकरी करें। लेकिन एक सोच कहा आया वेस्टिज से हम लोग के अंदर, हमारे अंदर, इन्हें कुछ अलग करना है, और हमने लोगों को देना शुरू किया। और बहुत सारे ब्रेकर्स आए फैमिली से, उसके बाद भी देने शुरू किए। धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ता गया, डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड बने। गोल्ड बनने के बाद घर से इतना प्रेशर हुआ कि नहीं, तुम्हें जॉब ही करना है, नौकरी करनी है। तो उस समय हम मध्य प्रदेश जबलपुर में बीएड करने के लिए गए थे, और दिमाग में चल रहा था कि यार तीन लोग को डायरेक्टर बनने के बाद कार मिलता है, तो बस एक दिमाग में वही चल रहा था। और हमने वहीं से बीएड के एग्जाम भी दिए, और एग्जाम देने के साथ साथ वहीं से हमने स्टार डायरेक्टर फाइनल किया, और स्टार करके वहाँ से आए। जब स्टार करके वहाँ से आए तो उसके बाद हमारी ट्रिप थी पहला, जो लाइफ का पहला जो विदेश यात्रा, जो दुबई की। जब दुबई गए पहली बारी, उस हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन की बात कर रहे चले, आप सोच सकते हैं दोस्त क्या एक्साइटमेंट था मेरे अंदर उस समय। पहली बार इंडिया में कहीं नहीं गए थे, पहली बार विदेश जाने का मौका मिला, वो भी एरोप्लेन से, वो भी बादलों के बीच, आप सोच सकते हैं बादलों के ऊपर। तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल जो वहाँ से आने के बाद, जब वहाँ की दुनिया देखे, हमने यही देखा कि हमारे लाइफ में अभी तक जो जिंदगी हमने जिया है, अभी तक का जो हमारा लाइफ का सफर रहा है, वो सारा एक तरफ है, और वेस्टिज का जो एक पाँच दिन का जो दुनिया रहा एक तरफ है। धीरे धीरे काम बढ़ते गया, वहाँ से आने के बाद हमने अपने एक सपने और पूरा किया, वेस्टिज से एक कार ली i20 जो लगभग 9 लाख का उस समय 2013 में। धीरे धीरे कारोबार बढ़ते गया अपने टीम से, अभी तक हमने 10 लोगों को कार दिलवा चुके हैं, और 10 लोग फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं। और मेरा भी एक टारगेट है कि रुकना नहीं है, जिस तरह से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, लोगों के सपने पूरे होने चाहिए। और वही हमारी वाइफ रागिनी का सोच है, वो भी जब एक ट्रिप अबू धाबी और दुबई के ट्रिप पे गई, वहाँ आने के बाद जो उनकी लाइफ वहाँ जो जी, आने के बाद उनका भी सर करना है कि जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं वही जिंदगी अपने टीम को दिलानी है। और आज एक एक करके 8-12 विदेश यात्रा हमने किया है, और एक सोच इसी से बढ़ते गया, सपने बड़े होते गए, और वो सपने अपने साथ साथ लोगों के पूरा करने ये आते गया। जिस तरह से वेस्टिज बढ़ रही है, जिस तरह से आज वेस्टिज आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लेके आई है, एक चीज कहेंगे दोस्त कि ज्यादा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो सिस्टम कर रहा है उस सिस्टम पे केवल 2 साल, ऐसे तो लोग यहाँ पे 1 साल के अंदर और आते आते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट उतना तेज की बात नहीं करेंगे, एक सोच की बात करेंगे। केवल 2 साल वेस्टिज को पूरे तन मन से, वेस्टिज का जो सिस्टम कहता है, वेस्टिज का जो तरीका है, और आपके जो अपलाइन है, उनका जो सफल अपलाइन है, उनके मार्गदर्शन पे जिस तरह से आज हम भी काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो बात करें तो सुपर लीडर, हमारे जो ग्रेट अपलाइन विश्व कुमार कुबेर सर, जो आज वेस्टिज के इन्वेस्टर हैं, और स्वतः मैम, जिनकी एक सोच से आज सारे लोग की जिंदगी बदल रही है, और उन्होंने एक सोच बनाया और एक एजुकेशन पार्टनर के रूप में कि
इस द वॉरियर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, क्योंकि विदाउट एजुकेशन लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सफलता तो चाहिए। आज के दिन में हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमें सफल होना है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमें आगे बढ़नी है, हर वो इंसान चाहता है कि दुनिया में कुछ नाम करे, अपना नाम बनाए। तो नाम चाहिए, पहचान चाहिए आपको, तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हाँ दोस्त, आप सब अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप कमिटेड होंगे, जब आप उस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित होंगे, क्योंकि बहाने से सफलता नहीं मिलती। पर आज के डेट में लोग सफलता तो चाहिए, सफल होना चाहते हैं, पर उनके पास 100 बहाने एक्सक्यूजेज की लाइनें पड़ी हैं, लाइनें लगी हुई है कि अभी ये है, कल वो, आज बारिश है तो कल धूप है, तो ठंड है, तो घर में ये हो गया, तो पड़ोसी को हो गया, तो रिश्ते में क्या हो गया। तो सारे चीज़ों को आपको साझ करना पड़ेगा 2 साल के लिए। अगर लाइफ में पूरे जीवन अपने साथ साथ अपने फैमिली को, आने वाले कल को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप सफल बनना चाहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि एक सोच हमारे जो अपलाइन हमारे प्रोफेसर स्वेता मैम की रही है, जिसके वजह से आज हम सब मिलकर के आगे चल रहे हैं। तो आप सब भी इस एजुकेशन पार्टनर का पार्ट बने और अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं इस केएस द वॉरियर चैनल को, और अपने आप को अपडेट करें, एजुकेशन लें, लोगों को दिलाएं, वो अपने सपने पूरा करें और लोगों के सपने पूरा करें। क्योंकि हमने भी टारगेट लिया है कि 100 लोगों को हमें विदेश ले जानी है, 100 लोगों को हमें कार दिलानी है, क्योंकि अभी तो 10-10 ही हुआ है, अभी बाकी है। तो जल्द ही वो कारोबार पूरा होगा, और ये सब तभी होगा जब आप एजुकेशन को बिल्डअप करेंगे, अपने ड्रीम को बिल्ड करेंगे, अपने नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू वेल्थ एंड वी कैन बी विल।